बच्चों, हम उदाहरण पाँच अब हल करेंगे। उदाहरण पाँच में भी हमको एक त्रिभुज, दिए हुए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक नए त्रिभुज की रचना करनी है। और जो नया त्रिभुज होगा उसकी प्रत्येक भुजा पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजा के 5/3 हो, यानी एक बड़ा त्रिभुज बनने वाला है। इसका आप ध्यान रखिए। इसके पहले जो रचना हमने की थी उसमें भी हमने समरूप त्रिभुज बनाया था, लेकिन जो नया त्रिभुज बना था उसकी प्रत्येक भुजा पहले वाले त्रिभुज की 3/5 थी, यानी छोटा त्रिभुज हमने बनाया था। और अब की बात जो हम त्रिभुज बनाने जा रहे हैं वो पहले त्रिभुज के बड़े त्रिभुज के रूप में हमारे सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं, दोनों रचनाओं को मिला के भी देखेंगे। तो पहले तो हम एक त्रिभुज की रचना कर लें, फिर उसके समरूप त्रिभुज की रचना करने के बारे में हम आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कैसे वो रचना हो पा रही है। तो चलिए पहले हम एक त्रिभुज बना लें। मान लीजिए वो त्रिभुज थोड़ा छोटा बनाए ताकि बड़ा वाला त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास जगह हो। ये हमने अपने मन से कोई सा भी एक त्रिभुज बनाया। ये हमने एक और भुजा बना ली इसकी, इसको इस तरह से बना लें ताकि इसके बाद के लिए हमारे पास पूरी जगह बची रहे। ये देखिए, ये त्रिभुज हम पहला त्रिभुज बना रहे हैं और इसका नाम हम दे दें त्रिभुज एबीसी। ऐसा ही आपने पहले भी किया था, एक त्रिभुज आपने बनाया और फिर उसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाया। अब आप देखिए कि हम जो नया त्रिभुज बनाएंगे जो इसके समरूप होगा उसकी प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की 5/3 होगी, माने ये जो भिन्न है वो एक से बड़ा है। अब देख लीजिए 5/3 जो भिन्न है वो एक से बड़ा है, माने जो नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं इसकी भुजाओं से बड़ी होंगी और उनकी भुजाओं और इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 5/3 का होगा। यानी अगर हम BC के समरूप एक और भुजा बनाना चाहते हैं तो वो भुजा इतनी बड़ी होगी कि उस नई भुजा और इसका अनुपात 5/3 होगा और उसी के संगत बाकी भुजाओं का भी विस्तार होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बी से एक रेखाखंड खींचते हैं, एक किरण खींचते हैं, और एक ऐसी किरण जो न्यून कोण बना रही हो, और इसको हम मान लीजिए किरण एक नाम दे दें, हम किरण BX हम नाम दे देते हैं। और चूँकि इसके हमको 3 और 5 का अनुपात में हमको यहाँ रचना करनी है, तो चूँकि 5 हमारे पास एक अनुपात है और 3 भी एक अनुपात है, तो हम यहाँ पर 5 बराबर हिस्से लेंगे। ऐसा आपने पिछली बार भी किया था। तो चलिए देखते हैं कैसे बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पर एक चाप लें और हम 5 बराबर बराबर हिस्से करें इसके। एक हमने ये काटा चाप और इसके बराबर ही एक और चाप काटा, फिर एक और चाप काटेंगे, ये तीसरा चाप हुआ, फिर एक चाप, ये चौथा हुआ, और एक चाप और हमने काटा, ये 5। अब देखिए पिछली बार और अभी में हम थोड़ी तुलना करना चाहेंगे। उस शीट को मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली बार जो आपने रचना की थी वो इस प्रकार थी। यहाँ पर जो नया त्रिभुज बना था वो 3/5 के अनुपात में था उसकी भुजाओं का, और ये त्रिभुज छोटा बना था। ये बड़ा त्रिभुज जो हमने लिया था ABC पहले लिया था, और वहाँ पर भी हमने एक न्यून कोण बनाते हुए एक सरल रेखा खींची थी, किरण खींची थी, और उसके 5 बराबर हिस्से किए थे, और 5वें हिस्से को हमने मिलाया था C के साथ। अब की बार हम क्या करेंगे, इस मूल त्रिभुज के शीर्ष को हम तीसरे के साथ मिलाएंगे। देख लीजिए, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने पूरे 5 बराबर किए और 5वें हिस्से को इसके साथ मिलाया, और फिर तीसरे हिस्से से हम एक इसके समानांतर खींचे तो हमको एक छोटा त्रिभुज मिला। अब की बार हम क्या करने जा रहे हैं, हमने पहले की तरह 5 हिस्से किए, लेकिन चूंकि अब नया त्रिभुज जो बन रहा है वो बड़ा बनने वाला है और 3 और वहाँ पर भी अनुपात वही है जो पहले की जैसा था, लेकिन उसका क्रम उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे के साथ C को मिलाएंगे। ये दोनों में फ़र्क है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो अब हम इस तीसरे बिंदु को सी के साथ मिलाएंगे। ये देखिए हम सी को मिलाते हैं और इसको भी नाम हम दे दें पहले की तरह। ये मान लीजिए B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 और ये B5। B3 को हमने C से मिला दिया। अब हम यदि
बी फाइव से एक किरण खींचे जो इसके समानांतर हो, तो वो इसको जहां पर मिलेगा, बी सी को भी हमको आगे बढ़ाना होगा, तो वो जो भुजा मिलेगी यहां पर वो इसकी 5/3 गुनी होगी। तो इसको भी हम आगे पहले बढ़ा दें, ये बी सी को हम आगे बढ़ा देते हैं, और यहीं पर हमें एक बिंदु मिलेगा जो बी के साथ और बी सी के साथ जो अनुपात बनाएगा वो 5/3 का होगा। तो हम बी फाइव से बी थ्री सी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो इसको कहीं पर काटेगी, और बराबर कोण की रचना करने के लिए हम पहले की तरह रचना करेंगे। देखिए यहाँ से हमने एक चाप लिया और ऐसे ही चाप हमने बी फाइव से भी लिया, और इस चाप की जो लंबाई है वो हमने नापी। ये देखिए हम देख रहे हैं कितना बड़ा है ये चाप, जितना बड़ा है उतने ही लंबाई हम यहाँ पर भी लेते हैं। ये देखिए हमने काट लिया। अब इस कोण के बराबर ये कोण बनेगा अगर हम इस बिंदु को बी फाइव के साथ मिलाएंगे। चलिए मिला दें इसको बी फाइव के साथ, इस बिंदु को हम मिलाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमने आगे बढ़ाकर एक किरण खींच दी, इसे आगे जाने दें, और इस बिंदु का हम नाम देते हैं P। ये भी किरण है, इसको भी हमने आगे बढ़ाया था। आप चाहें तो इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसको आपने X किया, इसको किरण BY कर दें, और इसे किरण B5Z कर दें, या नाम दे दें ताकि पढ़ने में सुविधा रहे। इसको हमने बिंदु P नाम दिया। जो BC को हमने आगे बढ़ाया BY की तरफ, उसको B5 जो है P पर काटता है किरण B5Z। तो अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, क्योंकि BB3 और BB5 का जो अनुपात है 3 और 5 का अनुपात है, यानी इसको यदि आप पहले लें B5 और B की जो दूरी है उसको, तो आप पाएंगे कि जो BB5 है वो BB3 का 5/3 गुना है, और चूंकि B3C B5P के समानांतर है इसलिए BP और BC का जो अनुपात होगा वो भी 5/3 होगा। यानी जो त्रिभुज बड़ा बनेगा उसकी एक भुजा हमारे सामने जो BP दिख रहा है उसके बराबर होगी, और दूसरी भुजा भी हमको इस तरह से लेनी पड़ेगी, और एक तीसरी भुजा भी हमको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, तो हमें इसे भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी आगे बढ़ा दें, एक रचना और करें जो इस रेखाखंड को आगे बढ़ाता है, एक किरण के रूप में इसको हम आगे बढ़ा दें। चूंकि एक्स वाई जेड हुआ है, मान लीजिए इसको हम वी कर देते हैं, तो ये किरण बन गई। तो जो नया त्रिभुज बनने वाला है उसकी एक भुजा तो हमें मिल गई, दूसरी भुजा जो होगी AC के समानांतर होगी। तो AC के समानांतर यदि हमको कोई कोण बनाना है तो हम यहां पर भी चाप खींचेंगे, और देखिए किस तरह से बनाते हैं इसको, एक चाप हम यहां बनाते हैं और इतने बड़ा कोण हमें यहां भी बनाना है, तो यहां से भी हम वही चाप खींचते हैं, इसे हमको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा ताकि चाप उस रेखा को काटता हुआ दिखे। ये हमने आगे बढ़ा दिया। अब ये जो लंबाई है, इस चाप की जो लंबाई है उतनी लंबाई यहां पर हम लें, ये देखिए। अब ये जो कोण बन रहा है उतने बड़ा कोण यहां पर बनेगा यदि हम इस बिंदु को P से मिला दें। चलिए भी हम काम करें, इसे हमने मिला दिया P से और आगे बढ़ा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में आप बराबर कोण की रचना भर कर रहे हैं और इससे आपको अपना अभीष्ट त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये इसे आप नाम दे दें Q। अब आप देखिए आप जो बना रहे थे वो बना क्या, आप त्रिभुज ABC के
समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करने जा रहे थे जिसकी भुजाएं एबीसी की भुजाओं की 5/3 है। तो सबसे पहले आपने एक ऐसी भुजा की रचना की बीपी की जो बीसी की 5/3 हो। उसके लिए आपने क्या किया, एक किरण बीएक्स खींची, वहां पर 5 बराबर बराबर चाप लिए और तीसरे वाले हिस्से को आपने सी से मिलाया ताकि इसके आगे की रचना को हम इधर कर सकें, और फिर बी थ्री सी के समानांतर हमने बी फाइव पी की रचना की जो बी वाई को पी पर काटती है। तो ये जो बी पी हुआ वो उस अभीष्ट त्रिभुज की एक भुजा हुई जिसका अनुपात बी सी के साथ 5/3 है। तो ये हमने बी पी बनाया और बी पी चूँकि एक भुजा है, दूसरी भुजा भी इससे P से गुजरेगी जो सी ए के समानांतर होगी। तो सी ए के समानांतर एक रेखा खींचने के लिए आपने इस कोण के बराबर एक कोण की रचना यहाँ पर की और कोण बनाते हुए जब आपने P को आगे बढ़ाया तो Q पर काटता है बी वी को। तो इस तरह से आपको भुजा पी क्यू मिली जो सी ए की 5/3 होगी। निश्चित रूप से जो बी क्यू है वो बी ए का 5/3 होगा। तो आपको एक नया त्रिभुज मिला बी पी क्यू, त्रिभुज बी पी क्यू जो समरूप है त्रिभुज बी सी ए के, त्रिभुज बी सी ए के, और इनकी भुजाओं का अनुपात वही है जो आपने यहां पर देखा था, यानी बी पी बटे बी सी, बी पी बटे बी सी बराबर। आपने इन दोनों की तुलना की, फिर आप तुलना करेंगे पी क्यू बटे सी ए की, पी क्यू बटे सी ए बराबर आप तुलना करेंगे इस तीसरी भुजा की बी क्यू बटे बी ए, बी क्यू बटे बी ए, और बी पी बटे बी सी, बी पी बटे बी सी, ये था 5/3। तो ये आप देखेंगे कि प्रत्येक भुजा 5/3 के अनुपात में है। तो आप लिख सकते हैं इसके और इसके आधार पर बी पी बराबर 5/3 बी सी एक, इन दोनों के आधार पर आप लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 5/3 सी ए, और इन दोनों के आधार पर आप लिख सकते हैं बी क्यू बराबर 5/3 बी ए, बी ए सी ए और बी सी इस छोटे त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसका 5/3 गुना है इस नए त्रिभुज की भुजाएं जो आपको यहां पर मिल रहा है। तो आपने एक ऐसे त्रिभुज की रचना की बी पी क्यू की जिसकी प्रत्येक भुजा बी सी ए के प्रत्येक भुजा के 5/3 के बराबर है। तो ये रचना हुई आपकी जो उदाहरण 5 के आधार पर था। इसको आप फिर से एक बार करके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।